नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो रश। आई एम ओमकार एंड आज देखेंगे Hyundai Venue को। ये आती है 5 वेरिएंट्स में, ई, एस, एस प्लस, एस एक्स एंड एस एक्स ऑप्शनल। इस वीडियो में देखेंगे Venue एस प्लस को, यानी कि मिड वेरिएंट को। यस एंड ऑल्सो नोट कि पेट्रोल के मिड वेरिएंट को एस ऑप्शनल कहते हैं एंड इसी वेरिएंट को डीजल इंजन के साथ एस प्लस कहते हैं। अगर अभी भी कुछ नहीं समझा तो ये चार्ट देख लो। ओके, तो ये है एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड ये है इसका ऑल न्यू फेस लिफ्टेड मॉडल। अब इसके डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं एंड बहुत सारे फीचर्स को भी ऐड किया है। इसके डायमेंशंस अभी भी सेम ही है, लेकिन थैंक्स टू क्लेवर डिजाइन ये पहले से थोड़ी बड़ी लगती है। तो अब देखते हैं इसे डिटेल में। यहाँ पर है ऑल न्यू फ्रंट बम्पर। इसमें आता है स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, जिसमें ऊपर की तरफ है टर्न इंडिकेटर्स एंड यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड LED DRLs है। ये फ्रंट ग्रिल अब पहले से और भी ज़्यादा बड़ी है एंड ये एग्जैक्टली Hyundai Palisade जैसी लगती है। यहाँ नीचे बम्पर में एयर कर्टन्स है जो इसके एरो को इम्प्रूव करते हैं। हाँ, लेकिन फॉग लैम्प्स कोई भी वेरियंट्स में नहीं मिलते। ये सिल्वर स्किड प्लेट भी पहले से डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक आउटसाइड मिरर्स आते हैं अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स। ये देख लो व्हील्स, इसी मिडल वेरिएंट के 1.2 पेट्रोल इंजन के साथ 15 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं। एंड यही मिडल वेरिएंट अगर 1 लीटर पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन के साथ आता है तो इसमें ये 16 इंच के स्टील व्हील्स आते हैं। व्हील आर्चेस के ऊपर एंड साइड में ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग दिया है जो इसे एक टफ लुक देता है। यहाँ ऊपर है ब्रिज टाइप सिल्वर रूफ रेल्स जो कि फंक्शनल नहीं है। उसके बाद है बॉडी कलर में शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। रियर वाइपर एंड डिफॉगर अभी भी इसमें नहीं आता। यहाँ पर है रियर का सबसे बड़ा चेंज, ये LED टेल लैम्प्स विथ लाइट बार एंड ये दिखने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। नीचे बम्पर में है रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स लैम्प। यहाँ रियर में पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स कैमरा भी मिलता है। एंड फाइनली सबसे नीचे है ये सिल्वर स्किड प्लेट। कुछ ऐसी दिखती है Venue की रिमोट फ्लिप की, जिसके ऊपर है लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक के बटन्स। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आते हैं एंड कीलेस एंट्री का फीचर इस वेरिएंट में नहीं मिलता। यहाँ पर है ड्राइवर साइड कंट्रोल्स, जिसमें है लॉक अनलॉक, पावर मिरर्स एंड पावर विंडोज के कंट्रोल्स। देखते हैं इसके डैशबोर्ड को। इसका डिजाइन तो अभी भी सेम है, लेकिन अब ये ब्लैक एंड ग्रेज ड्यूअल टोन में आता है। यह डैशबोर्ड के सेंटर में है ये 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये साइज तो सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जैसे कि ये वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज का सपोर्ट भी दिया है। रियर व्यू कैमरा का फीड भी इसमें दिखता है अलॉन्ग विद डायनामिक गाइडलाइंस। इस वेरिएंट में मैनुअल एसी आता है। ऑटोमेटिक एसी ओनली टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में आते हैं। यहाँ पर है 12 वोल्ट आउटलेट, USB-C, USB-A चार्जिंग पोर्ट एंड एक स्टोरेज एरिया। डीजल वेरियंट में ओनली 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, डीजल ऑटोमेटिक इसमें नहीं मिलता। यहाँ पर है कबी होल एंड ड्यूअल कप होल्डर्स। यहाँ पर है ऑल न्यू फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इसका डिजाइन किया कारेंस की याद दिलाता है। एंड इसके सेंटर में है ये कलर TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। स्टेयरिंग के ऊपर है ऑडियो, ब्लूटूथ एंड MID के कंट्रोल्स एंड ये स्टेयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल भी है। यहाँ स्टेयरिंग के राइट साइड में है इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का स्विच। ये देख लो फ्रंट सीट्स जो आती है एडजस्टेबल हेड रेस्टेंस के साथ। सीट अपोल्स्ट्री की बात करें तो इसमें फैब्रिक की अपोल्स्ट्री आती है। हाँ, लेकिन ये मटेरियल टच करने में लेदर जैसा ठीक लगता है। ये ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल भी है। फ्रंट सीट्स के बीच में है ये आर्मरेस्ट एंड इसके अंदर एक स्टोरेज एरिया भी प्रेजेंट है। या ऊपर है माइक्रोफोन एंड सनवाइजर्स। कम ऑन Hyundai, इसमें एक वैनिटी मिरर तो देते। या डैशबोर्ड के ऊपर
एक यूजफुल ओपन स्टोरेज स्पेस है एंड नीचे एक डिसेंट साइज का ग्लो बॉक्स है। यहाँ पर आता है ब्लैक ग्रेज का ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम। एंड ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स का ऑडियो सिस्टम। ये देख लो रियर सीट्स एंड इसमें इंटीग्रेटेड हेयर रेजिस्टेंस दिए गए हैं। इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट का सपोर्ट भी मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स है एंड 2 यूएसबी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स है। देखते हैं इसके बूट स्पेस को। यह टेलगेट के ऊपर है प्लास्टिक क्लैडिंग अलोंग विद ग्रैब हैंडल एंड इसमें आता है सेम पहले जैसा 350 लीटर्स का बूट स्पेस। बूट फ्लोर के नीचे है ये स्टील रिम का स्पेयर व्हील एंड इसका साइज है 195x65 R15 का। ये रियर सीट्स 60-40 रेशो में तो नहीं लेकिन फ्लैट फोल्ड होती है एंड इसके बाद आपको बड़ा सा कार्गो एरिया मिल जाएगा। ये रही डायमेंशंस वेन्यू की स्क्रीन के ऊपर एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm का। कलर्स ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 6 सिंगल टोन कलर एंड एक ड्यूअल टोन कलर आता है। ये है सेफ्टी फीचर्स जो इसके S प्लस वेरिएंट में आते हैं। इसका अभी तक कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है एंड इसीलिए इसकी रेटिंग भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये आती है 3 इंजन ऑप्शंस के साथ। एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एंड तीसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। एंड फाइनली इसकी ऑन रोड प्राइस लिस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द Hyundai Venue facelift S Plus। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ड्राइव सेफ।